वहीं अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में 25 से 27 अक्टूबर तक आयोजित 3 दिवसीय 36वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की और सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। संस्थान के मुक्ताकाश में आयोजित प्रतिष्ठित कलातीत क्लासिक संगीतमय नाटक द साउंड ऑफ म्यूजिक में 350 छात्रों ने अलग अलग किरदार से लोगों को हैरत में डाल दिया। वहीं डिप्टी सीएम ने मेधावी छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित भी किया। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। आज मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम था और बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म किया सभी गर्ल्स ने। बहुत सारी हमारी जो गर्ल्स हैं उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते और हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन किया है इन्होंने, और अब देश का भी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल बेस्ट गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल का भी खिताब मिला है मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल को, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, स्टाफ को, टीचर्स को, प्रिंसिपल साहिबा को, गर्ल्स को, पेरेंट्स को, कि सबने सबका ये मिला जुला एक एफर्ट है जिस वजह से हमारी यहाँ की जो गर्ल्स हैं वो इतना कुछ हासिल कर रही हैं, और इनको मैं आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जयपुर शिक्षा विभाग ने नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और इसका नाम हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस नई छात्रवृत्ति योजना का अनुमोदन किया है और इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ छठी से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा। छठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों को 4,000 रुपये सालाना मिलेगा और 11वीं से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों को 5,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं छात्रवृत्ति को लेकर शाला दर्पण पोर्टल में नया विकल्प जोड़ा जाएगा। इस छात्रवृत्ति योजना के आवेदन के लिए विज्ञप्ति जल्द जारी की जाएगी।